वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अबाउट मी मींस मेरे बारे में। ये EVS का चैप्टर होता है, चैप्टर 1 अबाउट मी, जो कि क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो बच्चों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। हम अबाउट मी की बात कर रहे हैं, myself की बात कर रहे हैं और सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि अलग अलग टर्म्स हैं बट सेम मीनिंग है। तो बच्चों को ये चीज़ें पहले बता कर चलें कि अबाउट मी, myself और इंट्रोडक्शन का मतलब सेम ही होता है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। माई नेम इज, बच्चे से पहले नाम पूछे फिर उसका नाम लिखे। मैंने नाम लिख दिया इसमें, माई नेम इज रिया। आई एम अ गर्ल, गर्ल और बॉय जो भी है वो लिखा जाएगा। आई एम 7 years old. I read in class 2. I study in, बच्चे का स्कूल का नाम पूछकर उसको बताना है क्या लिखा जाएगा। मैंने यहाँ लिखा है I study in ABC public school. I live in, गाजियाबाद। My father's name is, मिस्टर रमेश कुमार। माई मदर्स नेम इज, मिसेस नीमा। माई हॉबीज आर रीडिंग, डांसिंग, ETC। जो भी बच्चे की हॉबी होगी वो बच्चों से पूछकर वो आपको इसमें फिल करवाना है। उसके बाद माय फेवरेट गेम इज टू प्ले लूडो। आई लाइक ईटिंग डोसा। My favorite dress is gown. Last में I love my country. ये बच्चों को बताना होगा। Country means India. इस तरीके से आप बच्चों को introduction सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को पहले आप introduction सिखाइए, उसके बाद इन्हीं से related कुछ questions बनाकर सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन 1, व्हाट इज योर नेम, सेकेंड व्हाट इज योर फादर्स नेम, What is your mother's name? What is your hobby? इस तरीके से आप पहले बच्चों को इंट्रोडक्शन सिखाएं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से बनाएं जैसे मैंने यहाँ पे बनाए हैं, और फिर उनको करने के लिए दीजिए। पहले ओरली पूछिए फिर उसके बाद उनको लिखकर याद कराना है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।